घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो अहम विषय और जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जामा मस्जिद के इमाम साहब ने एक चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को और उन्होंने उनसे गुजारिश की है कि वो जम्मू कश्मीर में जो हुर्रियत है उनसे बातचीत करें, उनको समझाएं। सवाल ये उठता है कि बुखारी साहब की इस चिट्ठी की क्या आवश्यकता थी, क्यों उन्होंने चिट्ठी लिखी, क्या ये चिट्ठी लिखना जायज है, क्या उनके लिए इस तरह के चिट्ठी उनका यही काम है या उनका जो काम है उस काम को छोड़ के वो नए काम कुछ पकड़ना चाहते हैं, क्या उनका मकसद है, क्या उनका इरादा है, क्या वो सिर्फ इसे पब्लिसिटी के लिए, एक कुछ प्रचार के लिए, कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहे हैं। कई सारे सवाल हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं हमारे साथ, पुष्पन कुलश्रेष्ठ जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ फाउंडर है पीसी सूफी पीस फाउंडेशन के डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। साथ ही साथ राजनीतिक दल से भारतीय जनता पार्टी से आनंद साहू जी हैं और सीपीएम से सुनीत चोपड़ा साहब है, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस पे राजनीतिक प्रतिक्रिया की शुरुआत करें, आपको हम दिखाते हैं बुखारी साहब ने क्या कहा है। माजी में काफी गलतियां हुई हैं और वहां आम लोगों के साथ भी काफी जुल्म ज्यादती हुई है, लेकिन वो किसने किया, किसकी हुकूमत थी, किसने 50 साल कश्मीर में राज किया और किसने ऐसे हालात पैदा किए, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है वो खत्म होना चाहिए। बल्कि मैंने इसी को देखते हुए नवाज शरीफ साहब को खत लिखा कि वो अपने मनसब का और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के जो हुर्रियत रहनुमा हैं उनसे बातचीत करें और जो लोग बंदूकें उठाए हुए हैं उनसे अपील करें कि वो अपने हथियारों को डालें और सीज फायर, अगर हुकूमत ही इजाजत देती है तो मैं पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ साहब से बात करने के लिए तैयार हूं कि इन हालात की वजह से हिंदुस्तान के जो करोड़ों मुसलमान हैं उसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो हम कश्मीर में अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जहां हमारा मुल्क मजबूत और मुस्तकम हो वहां पड़ोसी मुल्क भी मुस्तकम हो। हम ये नहीं चाहते कि पड़ोसी मुल्क तबाह बर्बाद हो। पुष्पन जी पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पे। दिलीप, दो चीजें हैं जामा मस्जिद के इनके वालिद साहब बुखारी साहब और अब अहमद बुखारी, ये हिंदुस्तान में सेल्फ स्टाइल मुसलमानों के वोट के सौदागर हैं और वो कभी कांग्रेस के नाम पे, कभी जनता पार्टी के नाम पे, कभी कभी बीजेपी के नाम पे, ये तमाम पार्टियों को पैसे लेके फतवा जारी करते हैं और इमामत जो काम है, जो ये मुलाजिम हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अलावा सारे काम ये करते हैं। और ये देश में एकमात्र ऐसे मुसलमान इमाम हैं जिन पे कई मुकदमे चल रहे हैं, कई में इनके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट भी हैं। लेकिन जब जब ये सियासी तौर पे इरेलेवेंट होने लगे और मुस्लिम लीग जब यहां से खत्म होकर केरला तक सिमट गई तो इनको लगा कि अब इनके लिए मैदान खाली है, लेकिन एक लंबे समय तक इनकी रिलेवेंट पॉलिटिकल रही। और अब जब से ये बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं सियासी तौर पे, कभी समाजवादी के साथ ये फतवा जारी करके अपने रिश्तेदार को एमएलए बनवाते हैं, कभी सीटें दिलवाते हैं, इस वक्त जो है इनकी जो पूरी दुकान है मुसलमान वोटों की वो इसलिए भी खत्म हो गई है कि एक ने ठेका ले लिया उत्तर प्रदेश में आजम खान ने, और हैदराबाद से एक निकले उन्होंने भी ले लिया है। लिहाजा इनको लगा कि कोई ऐसी हरकत हम करें जिसकी वजह से न्यूज में आए और इस मीडिया में कोई अपनी रेलेवेंस बनाए। इस खत में जितनी बातें लिखी हैं उसमें कई सारी चीजें बड़ी ऑब्जेक्शनेबल लिखी हुई हैं इन्होंने। चलिए मैं उस पर आता हूं। आप कहते हैं ये पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी नहीं, अपनी सियासी रेलेवेंस को, राजनीति को रेलेवेंस बनाने के लिए, क्योंकि अब हिंदुस्तान में इनके फतवों को लोग जो है डस्टबिन में डाल चुके हैं और इनको भी डाल चुके हैं, लिहाजा पाकिस्तान के लिखने के बाद से थोड़ा रेलेवेंस बन जाता है। जो बात आपने सुनी डॉक्टर हफीज साहब, वो कह रहे हैं इस्लाम के नाम पे मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप यहां के नागरिक होके एक धर्म गुरु हैं आप, और आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के कोई नागरिक हैं उसके बारे में आप लिख रहे हैं। देखिए ये आप अपने प्रधानमंत्री को लिखते, वहां के मुख्यमंत्री को लिखते, तब भी बात समझ में आती। जो बात पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि जो बातें हैं कंटेंट पे हम बाद में जाएंगे, बट जो ये पूरी कवायद है इनकी, क्या आप सहमत हैं पुष्पेंद्र जी से कि ये एक सुर्खियां बटोरने के लिए अपना जो राजनीतिक सियासी जो मैदान या बेरोजगारी उनकी सियासी रूप से है उसको वापस लेने के लिए ये कवायद है? देखिए एक बात ये सही है कि चाहे कोई हिंदू धर्म गुरु हो या मुस्लिम धर्म गुरु हो, इमाम हो, बाबा हो, पीर हो, जब उसका दायरा पब्लिक में
एक सस्टेनेबल हद तक बढ़ जाता है तो वो उसका इस्तेमाल राजनीति के लिए करने की कोशिश करता है, और जब जब ऐसे लोगों ने अपने मनसब का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया है उसके नतायज अवाम के फेवर में नहीं होते, अवाम उसमें अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जिस उनके मौजूदा खत की बात चल रही है उस खत का पूरा कंटेंट तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन जो बात उन्होंने अभी अपनी बाइट में कही है उससे दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। निगेटिव ये है कि उन्होंने इस मसले में हस्तक्षेप के लिए कश्मीर के मसले में पाकिस्तान के वजीर आजम को खत लिखा है। पॉजिटिव ये है कि कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि जितने भी बंदूकधारी दहशतगर्द जो कश्मीर की सरहद पर काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान और आईएसआईएस के इशारे पे आईएसआई और पाकिस्तानी हुकूमत के इशारे पर काम कर रहे हैं कश्मीर को तोड़ने के लिए, और सेपरेटिस्ट भी वही जबान बोल रहे हैं जो जबान पाकिस्तान में बैठ के हाफिज सईद या और दूसरे आतंकवादी बोलते रहे हैं कश्मीर के सिलसिले में। तो गोया के उन्होंने इस बात को लिंक किया है अपनी गुफ्तगू में, जो बाइट मैंने देखी उस बाइट में वो इस बात को वाजे कर रहे हैं, और ये बात यकीनी है कि जो सेपरेटिस्ट हैं उनका ताल्लुक सीधा सीधा जो है वो नवाज शरीफ से है, अगरचे वो रहते हिंदुस्तान की धरती पर और कश्मीर की सरजमीन में हों, लेकिन अगर वो बात मानते हैं, ये यहाँ पर पाकिस्तान का जब वजीर आजम आता है तो स्पेशली उनको मुलाकात के लिए बुलाया जाता है। कश्मीर का मसला उस वक्त से उलझा हुआ है, कश्मीर का तो हमें पता ही है, लेकिन ये जो चिट्ठी है इसके पीछे मंशा क्या है, क्यों लिख रहे हैं इसको? इसको आपकी क्या, आपका काम है ये? अव्वलन तो इनको लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ना तो इमाम साहब इसी तरह एक पैरेलल इमाम बादशाही जामा मस्जिद के हैं लाहौर के, जो मकाम हिंदुस्तान में शाही जामा मस्जिद दिल्ली को हासिल है वही मकाम पाकिस्तान में लाहौर की बादशाही आपके दिन की बात है, आपके तो बादशाही मस्जिद के इमाम ने तो हिंदुस्तान के वजीर आजम को खत नहीं लिखा कि आप जो है वो वहां के हालात को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें, या वहां के इमाम ने तो खत नहीं लिखा पाकिस्तान के वजीर आजम को, तो इनको ये क्या जरूरत है? इससे पहले भी जब इनके घर में एक शादी थी तो चर्चा में आने के लिए इन्होंने नवाज शरीफ को दावत दी थी और हिंदुस्तान के वजीर आजम को दावत नहीं दी थी, और वो बात मीडिया में चर्चा में इसलिए लाई गई थी ताकि कुछ दिन इमाम साहब का वो वर्चस्व बना रहे और वो बात चर्चा में रहे। मैं ये समझता हूं कि जितने भी मजहबी लोग हैं चाहे वो मुस्लिम मजहबी रहनुमा हो हिंदू मजहबी रहनुमा हो उन्हें कोई भी कंट्रोवर्शियल बात ऐसी नहीं कहना चाहिए ये जिससे इस अटेम्प्ट को मेरा बहुत बुखारी साहब के इस सेंटीमेंट उसके साथ बढ़ बुखारी साहब के इस पत्र की मंशा में आप उनके पीछे उनके इरादे को कैसे देखते, क्या इरादा क्या है उनका चर्चा में रहने का इरादा? ये लगता है कि कई बार वो जो गुफ्तगू करते हैं या सेंटीमेंटल स्टेटमेंट देते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं जो कुछ वक्त के लिए उन्हें चर्चा में लाए। हालांकि मजहब के हवाले से मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी हालात खराब होते हैं उसमें कुरान ने एक ही बात कही है, इस्लाम यह कहता है कि ए ईमान वालों सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, जुल्म का जवाब कभी भी जुल्म से नहीं दो सब्र का दो। तो इन सारे लोगों को बजाय यह कि प्रधानमंत्री को किसी दूसरे मुल्क के खत लिखें, यूएनओ को खत लिखें, अमरीका को खत लिखें, किसी और इंसान को खत लिखें, इन्हें यह चाहिए सभी लोगों को कि अपनी अपनी कम्युनिटी से अपील करें जब भी हालात खराब हों। मेरा सवाल करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सवाल बड़ा वो अमन बरकरार जी। मेरा सवाल अवधेश जी आपसे है अब कि इस चिट्ठी के कंटेंट को अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन मूल रूप से सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उन्होंने किस मंशा से, उनका इरादा क्या था इस पत्र को लिखने से पहले। वो धर्मगुरु हैं जो कुछ अभी जो सूफी फाउंडेशन के संस्थापक हैं नाम मैं भूल गया, डॉक्टर हफीज साहब और पुष्पेंद्र जी ने कहा था कि ये दोनों सच है कि वो पहली बात तो यही होती है कि आखिर वो लंबे समय से अगर इमाम बुखारी चर्चा में नहीं है तो चर्चा में आना एक एक एक, एक उनका मकसद होता है, तो जाहिर ऐसे व्यक्ति को हम मजहबी और धार्मिक नहीं कह सकते हैं जो चर्चा में आना चाहता हो भले वो धार्मिकता का या मजहब का लवादा ओढ़े हुए हो, तो ये करते रहते हैं। वो जो उनकी शादी की भी चर्चा उन्होंने की मैं भी बोलने वाला था कि उसमें भी नवाज शरीफ को उन्होंने निमंत्रण दे दिया और नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं भेजा जिस पर काफी दिन तक चर्चा हुई और उसको उन्होंने एक स्टैंड लिया कि हम नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं बुलाए हैं, हालांकि नवाज शरीफ आए नहीं वहां से कोई आया भी नहीं। ये जो इनका ये जो कदम है देखिए इसके ये बिल्कुल एक निरर्थक मतलब कवायद है। उनका अपना उद्देश्य जरूर हो कि हम सुर्खियों में आ जाएं,
हम जरा इससे मुसलमानों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, ये लगे कि हम मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर में मुसलमानों का खून बह रहा है, मुसलमानों के खून बहने के कारण भारत में मुसलमानों को लेकर संदेह का वातावरण बन रहा है जो आतंकवादी कश्मीर में कर रहे हैं, ये सब वो दिखाना जरूर चाहते हैं। लेकिन इसके दिखाने के तरीका ये नहीं हो सकता है कि आप हमारे देश के दुश्मन को जो कश्मीर की सारी समस्या के लिए जिम्मेवार है, जो हुरियत से आप क्या बात करेंगे, हुरियत की बातचीत पाकिस्तान के नेताओं से होती ही रहती है, हुरियत पाकिस्तान के पेड एजेंट हैं, आतंकवादी पाकिस्तान से भेजे जाते हैं, वहां के प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं कि आप हुरियत के लोगों को समझाइए और उनको कहिए कि वो बंदूक छोड़ दें, जबकि पाकिस्तान का घोषित स्टेटमेंट है कि हम जो है पाकिस्तान में जो तथाकथित आजादी की लड़ाई है उस आजादी की लड़ाई को अपना बिल्कुल मोरल और डिप्लोमेटिक और बाकी जो सपोर्ट चाहिए वो देते रहेंगे। तो इस पत्र का कोई मतलब नहीं है, पत्र केवल जो है जानबूझ के एक सुर्खियों में आना, मुसलमानों का अपने को नेता कहना और साथ ही साथ जो है इस समय या तो जैसे कह रहे हैं कि हमको सरकार अनुमति दे तो हम चले जाएं पाकिस्तान, इनको लग रहा है कि शायद इस स्थिति में अगर सरकार या कोई बयान दे दे तो ऐसा होगा, वैसा भी होने वाला नहीं है। तो इस पत्र को अगर देखा जाए तो इमाम बुखारी ने लिख दिया इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, वरना ये पत्र चर्चा करने के लायक भी नहीं है, इसको बिल्कुल नजरअंदाज करने के लायक है, जिस पर विचार ही नहीं करना चाहिए। लेकिन ये खतरनाक मानसिकता है ये बिल्कुल कि आप हमारे देश के कश्मीर के मुख्य खलनायक को से आप जो है मदद की अपेक्षा रखते हैं और भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, कश्मीर के मुख्यमंत्री, कश्मीर के राज्यपाल, इनसे आपका कोई लेना देना ही है, आपको लगता है कि ये समस्या को संभाल ही नहीं सकते हैं। तो ये जो इसमें से जो आवाज उठ रही है ये आवाज बहुत खतरनाक है और इसका विरोध किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आनंद जी देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहला गलती तो इन्होंने किया, एक चिट्ठी लिख करके एडमिट किया है कि पाकिस्तान का जो एजेंट है वो लोग ऑलरेडी बंदूक उठा के काम कर रहे हैं, उसको सीधे ये कह सकते थे कि आप लोग बंदूक छोड़ो, तुम्हारे कारण से हम सब मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, वही कहा उन्होंने। अगर कंट्री को देखे तो फिर तो वही कहा। दूसरे तरफ वो ये कहते हैं कि हम जाएंगे, सरकार अगर इजाजत दे। अरे तुम क्यों जाओगे, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुमको तो तुम्हारी कौम ही नेता नहीं मानते हैं ना धर्म गुरु मानते हैं, तुम तो एक दलाल एजेंट की तरह बैठे हो या अपनी जो है एक दुकान चलाते हो, अपने आप को कभी भी गिरवी रख देते हो, पूरा समाज को बेच डालने के लिए हर तरह के षड्यंत्र रचते हो, वो देश के हित में वो क्या करेगा। उसका जो स्टेटमेंट है इस बुखारी जी का, ये बुखारी जी महाराज ये अपने आप को संयमित नहीं रख पाते हैं, इनको लगता है कि अब हमें कोई पूछ नहीं रहा है, अब सरकार भी नहीं पूछ रही। पहले तो इसको सरकार पूछे उस लायक अपने आप को, अपने गिरेबान में झांके इन्होंने क्या किया है, कौम को पहले ये कौम को लीड करने लायक तो बने, और देश के हित में क्या करना नहीं करना ये बताएंगे। जिस प्रकार की भाषा इन्होंने लिखा है, बंदूक हटाओ, ये तो ये बात एक खुद ही कह सकते थे कि तुम सेपरेटिस्ट और ये आतंकवादी जो भेज रहे हैं पाकिस्तान से ये बंद करे, ये कहना चाहिए। ये कह रहे हैं कि नहीं सरकार अगर बात करे वहां दे मैं जाऊंगा। अरे तुम्हारी हैसियत क्या है, तो चलिए जाओगे। चलिए चोपड़ा साहब, दो सवाल है आपसे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और आईएसआई और उनके जो यहाँ पे बहुत सारे नुमाइंदे हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं इमाम बुखारी का, ये जो भाषा है, ये जो कंटेंट है लेटर का, ये पाकिस्तान जो चाहता है उस तरह की सोच है? अगर मैं इस, क्योंकि हुर्रियत, हुर्रियत के बारे में और हुर्रियत का जो स्टैंड है, पाकिस्तान के एम्बेसडर यहाँ उनसे मिलते हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे यहाँ मिलते हैं, उस पर हमने बातचीत भी रद्द किया है। आप उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप उससे बात करिए, हुर्रियत से बात करिए, तो क्या ये जो यहाँ पाकिस्तान के जो एजेंसीज हैं उनकी ये करतूत है, वो कहीं ना कहीं इमाम जामा मस्जिद के इमाम का एक तरह से इस्तेमाल कर रहा है ये माना जाए? जब हमारे पास हमारे देश की सरकार है तो हमें पाकिस्तान के जासूस नहीं चाहिए। जितना कंफ्यूजन इन्होंने कश्मीर के एलियनेशन बुखारी साहब पे जरा अगर केंद्रित रूपये पहले करें और उसके बाद आप अगर जी, तो वो कंफ्यूजन का नतीजा है ये चिट्ठी। कि कभी कोई मुसलमान से भी किसी को गुस्सा आता है तो कहता पाकिस्तान चले जाओ,
अरे यार पाकिस्तान का मुसलमान से क्या मतलब है, वो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र कहता है, पार्टीशन जरूर हुआ है लेकिन पाकिस्तान जो है वो टॉपिक पे अगर आप सिंधी और कुछ मुहाजिर उनका देश है, कुछ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो मेरा ही कहना है कि हमारे यहाँ का मुसलमान उससे पाकिस्तान का ताल्लुक। मेरा सवाल मुसलमान की बात से तुम्हें कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ जो इमाम बुखारी साहब होते हुए पाकिस्तान को चिट्ठी लिख रहे हैं, मेरा ये कहना है ये वही राजनीति में खेल रहे हैं जबकि लोग किसी भी मुसलमान को देख के कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, और मेरा ख्याल है ये बहुत गलत है और इनको सब्र और नमाज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नमाज का मतलब अंतर, अपनी अंतर आत्मा को देखना, और सब्र का मंत्र अंतर मायने शांति। आज मैं एक हफीज साहब आपसे सवाल पूछ, क्या ये भी कारण है कि उनका इस्तेमाल राजनीतिक दलों ने वोट के लिए किया है, तो उन्हें लगता है कि उनकी जो अगर जो सियासी जमीन जो पुष्पेंद्र जी कह रहे थे वो सियासी रूप से अब कमजोर पड़ रहे, पिछले 2-3 साल से उनको चुनाव में कहीं कोई पूछा नहीं गया, तो उन्हें लगता है कि जे उनको कहीं ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकली जो है क्योंकि इस्तेमाल हमारा होता था, आज हमें कोई नहीं कर रहा है तो आई हैव टू बिकम रिलेवेंट। पहले ये होता था, पहले कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री, हमने देश के कई लोगों को देखा है वहां उस जगह के, हमने देखा है कि उसको कैसे सियासी रूप से इस्तेमाल किया है, जिसपे लोगों ने सवाल भी खड़े किए। देखिए ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है इस कंट्री के साथ कि 1947 में मुल्क आजाद होके दो और उसके बाद फिर अगली बार में तीन मुल्क जरूर बन गए, लेकिन कुछ लोग इस तरह के जरूर रहे दोनों साइड, दो दो कौमी नजरिए को बार बार बीच बीच में हवा देते रहते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की सियासी पार्टियां और हमारे मुल्क की हुकूमतें इन हजरात को सपोर्ट करती रहती हैं, पहले ताकतवर बनाने में और फिर उनकी ताकत का इस्तेमाल वोट बैंक को, वोट को कलेक्ट करने में, अपने फेवर में उनके स्टेटमेंट दिलाने में। इसके लिए जितने जिम्मेदार ये खुद हैं अपीलें जारी करने वाले, इतनी ही जिम्मेदार जो है वो मुल्क की हुकूमतें हैं, हमसे ज्यादा बड़े ब्लंडर चूंकि पाकिस्तान ने किए हैं, तो आज ऐसी ताकतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं कि आज वो हाफिज सईद को कंट्रोल नहीं कर सकते, आज वो जो तो उनका स्टेट पॉलिसी है उनको कंट्रोल क्यों करना है, उनको नहीं कर सकते, कंट्रोल क्यों करना है, दैट इज द फैक्ट। उनके पास पैरेलल ऐसी 5 फोर्सें हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे धार्मिक लोग हैं, जबकि जो रियल धार्मिक लोग हैं आप देखिए, चाहे अगर हम हिंदूज की बात करें तो जितने शंकर आचार्याज हैं वो किसी के लिए अपील जारी नहीं करते, जो ऑथेंटिक शंकर आचार्याज हैं कोई कंट्रोवर्सियल बात नहीं बोलते, इसी तरीके के जो रियल मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो अपनी खानकाहों में बैठे रहते हैं, उनकी मौत के बाद लोग जानते हैं कि उनका रेलिवेंस कितना था, जब उनकी कब्रों पर भीड़ जमा होती है वो सियासी गलियारों में जाने के बाद अपनी दुकान को बेचने की कोशिश नहीं करते वोट बैंक का, बल्कि जो आदमी जितना धार्मिक होगा अल्लाह ईश्वर गॉड से जितना करीब होगा वो इतना ही गॉड फियरिंग और आवाम की सच्ची सेवा करने वाला होगा। मेरा मेरा जो सवाल है पुष्पेंद्र, ये जो पूरी कवायद है बुखारी साहब की, ये एक पक्ष तो है जो ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि में पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम जाएं खास करके, तो इमाम का या ऐसे जो लोग हैं धार्मिक उनका इस्तेमाल हुआ है राजनीतिक दलों के द्वारा वोट बैंक के लिए, वोट लेने के लिए, तो जब आप सडनली इरेलेवेंट आपको लगने लगता है तो यू वांट टू रीडिस्कवर, एक तरह से आप उनको दोबारा खोजना चाहते हैं कि चलिए अरे हमारा सब कुछ समाप्त हो रहा है तो ये कैसे चलेगा, तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि सडनली आपको लगने लगे। एक पक्ष ये है, क्या ये कारण है कि उनका पॉलिटिकल रेलेवेंस खत्म हो गया है, वो दोबारा अपने पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के जो एजेंट हैं, पाकिस्तान के जो इस तरह के लोग हैं जो इस्तेमाल करते रहते हैं अलग अलग जगह पे चीजों को, वो इस्तेमाल हो रहे हैं आज के दिन में? दिलीप अगर आप इसके लेटर के कंटेंट की 3-4 चीजें देखें जी, उससे आपको पता चल जाएगा कि अब्दुल बासित के साथ इनकी नजदीकी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपने घर की शादी में बुलाना, और जो आप समझते हैं कि ईद की नमाज में ये जो पढ़ने जाते हैं हाई कमीशन के लोग, उसकी आप बैकग्राउंड देखिए इस लेटर में क्या लिखा है। ये लिखते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि कश्मीर के हालात जो हैं बहुत बिगड़ रहे हैं,
फिर एक जगह लिखते हैं कि कश्मीर के लोग डर के माहौल में जी रहे हैं और असहाय महसूस कर रहे हैं। ये दोनों वाक्य जो हैं पाकिस्तान लगातार यूएनओ में उठाता रहा है कि कश्मीर के लोगों के साथ वहां की हुकूमत जुल्म ज्यादती कर रही है, फौज जुल्म ज्यादती कर रही है, वो लोग बेचारे जो हैं मजलूम हैं और उनके साथ अत्याचार हो रहा है। ये पाकिस्तान, तो ये हिंदुस्तान से हिंदुस्तान के एक धर्मगुरु से पाकिस्तान कहा आ रहा है। कि आप ये देखें, आज हजारों लोगों के आंसुओं से घाटी जो है आंसुओं की घाटी बन गई है। तो ये तमाम सारे जुमले पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में, और लगातार यह कहा जा रहा है कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों को, अब शब्द कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों को जोड़ के कहा जा रहा है कि वहां फौज मार रही है। यह अभी नहीं, पिछले 10 दिन के अंदर के बयान आप पाकिस्तान के पढ़े, ये तमाम इनके बयान है। उसके बाद ये कहते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कि हुर्रियत के साथ आप बात करें, यानी पाकिस्तान भारत के उस ग्रुप के साथ बात करे जिस ग्रुप को भारत ने कि कौन ईमान, चलिए वो एक तो इससे बड़ा अब क्या उसमें बिल्कुल लास्ट वर्ड, क्या आपको लगता है कि ये अगर ये चर्चा में सुर्खियों में रहने के लिए है तो इससे तो इसको इग्नोर करना चाहिए, अगर ये एक किसी हाथ किसी भी साजिश के हिस्सा है, किसी एक साजिश का हिस्सा है तो उसको एक्सपोज करना चाहिए, या बेस्ट बी इग्नोर्ड है, इसको छोड़ देना चाहिए? दोनों है, इग्नोर भी। पुष्पेंद्र जी, आप पब्लिकली तो इग्नोर करिए जी, स्थापित करना चाहिए जी, दिलीप, लेकिन पब्लिकली तो इग्नोर करना चाहिए, लेकिन ये प्रवृत्ति रुकेगी कैसे? सवाल यह है कि ये लेटर पाकिस्तान के मीडिया में चल रहा है, ये लेटर पाकिस्तान की डिबेट में चल रहा है कि बहुत बड़ा इमाम है ये, सबको मालूम है कि इस आदमी की क्या हैसियत है, पूरी जमीनों पे कब्जा करने के अलावा इस पे कुछ नहीं है, एक तरीके से मैं कहूं तो ये इमाम बुखारी फ्रॉड है, जिस मकसद से जिस ऑर्गेनाइजेशन ने रखा उसको वो काम करने के अलावा सारे काम करता है, और कौम में और मिल्लत में इसकी क्या पोजीशन है ये भी सबको पता है, लेकिन ये लेटर वहां डिस्कशन का इशू बनेगा। ये बात तो कही जाएगी कि आपने कश्मीर के अंदर मुसलमानों की हत्याएं हो रही है, कश्मीरियों के साथ अनाचार हो रहा है, फोर्स इस्तेमाल की, ये शब्द तो इस्तेमाल किए जाएंगे। ये वही शब्द है कि जिस तरीके से दिल्ली से कई सारे पत्रकार और कई सारे पीसनिक जाते हैं और वही एजेंडा हुर्रियत का आगे बढ़ाते हैं, उनकी डिबेट भी पाकिस्तान में आती है, तो आप अपने यहां उसको सार्वजनिक तौर पर आप इग्नोर कर दें, लेकिन जो मकसद है पाकिस्तान के लोग उसको उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? अहमद बुखारी और इस मस्जिद का नाम तो दुनिया में मशहूर है ना, ये कोई चलती फिरती छोटी मोटी मस्जिद तो नहीं, ये क्या कहते हैं कि जिसके इमाम को आप इग्नोर कर दें? तो मैं ये कह रहा हूं कि आप यहां हिंदुस्तान में इग्नोर करें समझ में आता है, लेकिन अंदरूनी तौर पे इन लोगों को रडार पे लिया जाए कि ये कौन सी वजह से लिखते हैं और क्या एजेंडा है इसके पीछे। मैं कह रहा हूं कि चिट्ठी लिखने के कंटेंट पे जाइए आप, कंटेंट पे वही तमाम सारी बातें हैं जो पाकिस्तान यूएनओ में लगातार कहता रहा है, जो भारत के विरुद्ध विपरीत एक स्टैंड है, उस कंटेंट को आगे चलिए। ये लगातार अभी लास्ट 6 महीना हमें चलिए कौन कौन लोगों से बात किए उसके भी नहीं, इस खत में अगर दिलीप ये लिख देते मुझे लगता है चल जाती। दिलीप एक सेकंड, अगर इस खत में ये भी लिख देते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों में हाफिज मोहम्मद सईद, अजहर मसूद, जकीर रहमान लखवी, सैयद सलाहुद्दीन, ये तमाम सारे लोगों को पकड़ के आप भारत के हवाले करिए, ये भी लिख देते तो पता चलता क्या मतलब है इसका। आप जो भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंक फैला रहे हैं, खुल के घूम रहे हैं पाकिस्तान में, आप लिखते कि अगर इस देश में दोनों मुल्कों के बीच में दोस्ती है तो इन लोगों पर ना तो आप कार्रवाई कर रहे हैं या आप भारत को भी नहीं सौंप रहे, तो वो तमाम सारी चीजें पी गए हैं। तो ये एक तरीके से उनको बचाने और एंटी इंडिया हुर्रियत को जो पाकिस्तान का कश्मीर स्टैंड जो है उसको आप कहीं ना कहीं एक तरह से उसकी आप उसको तस्दीक करने की कोशिश जो पाकिस्तान का इरादा है तो बहुत शर्मनाक और बहुत ही जो अगर 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 आपका इरादा था पीस के बारे में अगर आपका इरादा था तो आप भारत के स्टैंड को लेते हुए वहां पे जाते पाकिस्तान को लिखते, ये पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसको आप अपने चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। अपना स्टैंड लेने लायक छोड़ा है नहीं, फायरिंग कर करके पीस मेकिंग के लिए सिविल सोसाइटीज दोनों तरफ से मुस्तकिल जब भी हालात खराब, ये पीस मेकिंग का नहीं है, पाकिस्तान का एजेंडा है, फ्रॉड है, पाकिस्तान को पीसेस में बांटने वाली बात कर रहा है, पीस मेकिंग की बात है। तो उसके लिए हमारे यहाँ दोनों साइड के लिटरेट लोग जो इस पर काम कर रहे हैं, चाहे वो कुलदीप नैयर जैसे लोग रहे हो या और बहुत सारे दोनों तरफ से वहां के अंसार बन्नी रहे हो, ईदी रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दोनों साइड से जब भी हालात खराब हुए हैं दो मुल्कों के, उसमें कश्मीर का इशू नहीं है, उसमें दो मुल्कों के हालात, यहाँ तो फोकस कश्मीर में, यहाँ फोकस में कश्मीर है, और पॉलिटिकल रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं यहाँ, जो दोनों तरफ के नागरिक को टाइम टू टाइम करना चाहिए और हुकूमत नहीं, यहाँ पे जो यहाँ जो पाकिस्तान का एजेंडा है वो एक चिट्ठी के जरिए बाहर लिखा है
ना ही उस लेटर को लिखने के लिए ही इज ए अथॉरिटी और ना उस लेटर की जरूरत है ना उस लेटर की टाइम। नवाज शरीफ उन्हें विदड्रॉ कर लेंगे जो दहशतगर्द वहां लड़ गए। करने के लिए अधिकृत ही नहीं किया है, भारत सरकार खुद उसको इंगेज नहीं कर रही है, भारत सरकार उसको स्टेक होल्डर नहीं मानती है। आप इन तीनों बयानों को गद्दारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, भारत की स्टेटेड पोजीशन है हुर्रियत के बारे में, सबको पता है। और ये क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में लगातार दमन हो रहा है, यह दमन कौन कर रहा है, यह किसकी लाइन है? तो मैं ये कहूं कि इस सबाब मक्कारी के बाद आखिर में आप कहें कि कश्मीर के अमन के लिए हम बहुत चिंतित हैं, तो ये जो पूरा आपने पेज लिखा है 15 पेज का, इसके अंदर तमाम आपने भारत विरोधी बातें लिखी है और भारत की जो स्टेटेड पोजीशन है उसकी बात, जो पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है उसको बयान कर रहे हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर इन्हें हिंदुस्तान में मुसलमान कश्मीरों के साथ अत्याचार की चिंता है, अगर इन लोगों को फलस्तीन के अंदर फर्क पर फेंकते हुए मुसलमानों की चिंता है, तो हिंदुस्तान के मुसलमान और कश्मीर के मुसलमान खासतौर से इनको बलूचिस्तान के अंदर 4.5 लाख मुसलमानों को आईएसआई और आर्मी द्वारा मारने की चिंता क्यों नहीं है? इन्हें हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमान जो कराची के अंदर रह रहे हैं, जो सिंध में रह रहे हैं, 25,000 उनकी हत्याएं हुई हैं पाकिस्तान की आर्मी ने, उसके लिए इनका दिल क्यों नहीं तड़पता है? फलस्तीन में पत्थर मारने तो जाते हैं ये, इसराइल को गाली देने का इनके पास वक्त है, कश्मीर में क्या हो रहा है उसकी चिंता है इनको, लेकिन चाइना के अंदर क्या? मैं यही कह रहा हूं, इस पूरे खत का कंटेंट आप देखें, ये प्योर जो है पाकिस्तान के एजेंडे पे लिखा हुआ खत है और इस बात की जरूरी है कि हुर्रियत को लेकर के भारत का जो एजेंडा है, हुर्रियत भी इस वक्त कश्मीर में बैकफुट पर है, उसको कैसे जिंदा करें? तो भारत सरकार को खत नहीं लिख सकते, तो अपने बाप को खत लिखा है उन्होंने कि आप किसी तरीके से इसको रिलेवेंट बनाए, यानी भारत सरकार के ऊपर हुर्रियत को बीच में लाने के लिए पाकिस्तान दबाव डाले। आप ये इस खत के कंटेंट में ये जो कंटेंट है जिसका जिक्र अवधेश जी अभी पुष्पन जी कह रहे हैं, ये वो स्टेटेड पॉलिसी है पाकिस्तान का, स्टेट का, जो भारत को बदनाम करने के लिए कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से पूरे दुनिया में फैलाई जाती है। उस स्टेटमेंट के अगर हम बाकी चीजों को आगे और पीछे छोड़ दें तो उस एजेंडे को इस लेटर में एक तरह से कहे उसको वेरीफाई करना कि हाँ जो पाकिस्तान कहता है वो यहां का एक इमाम जो है जामा मस्जिद का वो कह रहा है और इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान कह रहा है वो सच है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मेरा सवाल था, जो मैं चोपड़ा साहब से पूछ रहा था कि जो पाकिस्तान के आईएसआई है, जो पाकिस्तान के एजेंट है, उनके हाथ में कहीं जामा मस्जिद के जो इमाम है उनका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं ये? देखिए अब इनके इनसे पत्र लिखवाने के पीछे कौन है या इन्होंने अपनी मान नहीं कौन पत्र लिखी है, पत्र लिखी है लेकिन पत्र का कंटेंट देखिए जो जो बात कठिन है, लेकिन ये जो कंटेंट है देखिए कंटेंट आप देखिए आप कंटेंट जो है ऑब्जेक्शनेबल है, कंटेंट है ऑब्जेक्शनेबल तो मैं ये नहीं कह रहा जी। कंटेंट जो है देखिए इस समय का सिचुएशन जरा देख लीजिए, पहली बार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के आतंकवादियों से संबंध के खिलाफ एनआईए जांच कर रही है जी। इनके जो खासकर इनकी फंडिंग की कार्रवाई हो रही है और ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इरिलेवेंट होने के कगार पर है। ये संभव है कि इनमें से कुछ नेताओं के उनके परिवार वालों की गिरफ्तारी हो इस नाते और उनकी जमानत भी ना हो अगर आतंकवादी गतिविधियों में गिरफ्तार होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुर्रियत के नेताओं ने ही इनसे संपर्क किया हो कि ऐसी सिचुएशन एक पैदा हो रही है, इसमें आपको आवाज उठानी चाहिए और इन्होंने उनकी आवाज बनकर के और जम्मू का और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हुर्रियत और पाकिस्तान के बारे में तो भारत की क्या राय है ये तो सर्वविदित। लेकिन जिस ढंग से उनके शब्दों से पाकिस्तान की भावना, पाकिस्तान की सोच और पाकिस्तान का दुष्प्रचार, रणनीति और दुष्प्रचार हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, उसके आधार पर तो समझते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए कि भाई आपने ऐसा पत्र क्यों लिखा है। भारत सरकार ने साफ किया हुआ है कि पाकिस्तान जब तक हुर्रियत से बात करेगा तब तक हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। इसी आधार एक बातचीत टूटने का एक बड़ा आधार यह है, उसमें अगर भारत का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे धार्मिक नेता हो, कोई भी हो, अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है कि आप हुर्रियत से बात करिए, तो वो बिल्कुल भारत विरोधी कदम उसको माना जाएगा और उसके हिसाब से उस पर विचार किया जाएगा। जो एक बात यहां और भी समझने की जो मेरे समझ में आ रही है वो ये भी है कि इस समय देखिए बिल्कुल
जिनको उन्होंने पत्र लिखा है उनकी हैसियत क्या है? प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा मामले में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बैठाई थी उसकी रिपोर्ट उससे इसका क्या लेना है? नहीं नहीं, नवाज शरीफ स्वयं अपने संकट में है। नहीं, नवाज शरीफ स्वयं अपने संकट में, तो ऐसे समय अगर आप पत्र भी लिखते हैं तो नवाज शरीफ करने की क्या हालत में है? वो तो अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए जूझ रहा है, इसीलिए इनके समझ पर भी तरस आती है कि आपने पत्र लिखा भी तो कहां लिखा। मैं मुझे जो लग रहा है दिलीप, मुझे जो लग रहा है कहीं ये भी हो सकता है एक एंगल कि कहीं अब्दुल वासिद ने इनको उकसाया हो, क्योंकि ये उनके बिरयानी खाने बहुत बराबर जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जाते हैं देश के, तो उसमें आप क्यों? बहुत सारे जाते हैं लेकिन ये एजेंडे पे काम करते हैं। मैंने ये कहीं तार ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय हो सकता है। नहीं, ये तो सरकार के लिए है, लेकिन जो जो समाज जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, आप मैं एक एक भारत जो मैं एक समय सवाल है कि जो कुछ भी किया है खास करके इस्लाम के नाम पे, वो कह रहे हैं मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। आप एक धर्म गुरु हैं, आप हिंदुस्तान के दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम हैं, आप उन चीजों को कह रहे हैं जो चीज पाकिस्तान भारत के खिलाफ हर फोरम पे कश्मीर के बारे में कहता है। ये तमाम जो शब्द जो वो भी कह रहे थे और ये शब्द हमने भी देखे हैं जो इसमें, चाहे वो कह रहे हैं कि वो जो है वहां पे घाटी आंसुओं के घाटी बन गए हैं, वहां पे बर्बाद हो गया है, ये तमाम जो चीजें हैं ये पाकिस्तान की स्टेट है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में यही प्रचार कर रहा है। भारत कहता है कि हमारा वहां लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है, वहां पे आतंकवाद है जो आपके देश से यहां एक्सपोर्ट हो रहा है, आपको वहां ट्रेन करके उसको भेजा जाता है और बॉर्डर पे उस पे लगातार भारत लड़ रहा है उसके खिलाफ। और दूसरी तरफ इस वक्त जो माहौल है हम चीन की तरफ से देख रहे हैं, जिस तरह से आक्रामक रवैया चीन का है वो भी हम देख रहे हैं। और आज ही महबूबा मुफ्ती, जो अगला हमारा विषय है, आज ही महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि चीन जो है जम्मू कश्मीर में वहां पे टांग अड़ा रहा है, वहां पे दखल दे रहा है। ऐसे में, ऐसे वक्त में ये चिट्ठी लिख के क्या आप एक मैसेज दे रहे हैं कि जो भारत विरोधी तत्व हैं उसका एक एक्सप्रेशन मैं भी हूं, इसको ये नहीं देखा जाएगा? क्या इससे मुसलमान बदनाम नहीं होगा? देखिए, एक तो इनका जो लेटर लिखना है जी, वो तो यकीनी तौर पर काबिले मजम्मत है, बिकॉज ही इज नॉट एन अथॉरिटी। जब दो मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं तो उसमें जो हमारी डिप्लोमेसी है, यहां तक कि अगर एक मुल्क का वजीर आजम दूसरे मुल्क के वजीर आजम से बात करना चाहता है तो उसमें भी जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो इंगेज होते हैं, और इसको हमारी फॉरेन मिनिस्ट्रियां देखती हैं। तो जो कश्मीर का मसला है, जो बॉर्डर की सिक्योरिटी का मसला है, वो सिक्योरिटी एजेंसी टाइमिंग जो है, जो टाइमिंग है जी, जो टाइमिंग है और जो कंटेंट है, ये दोनों ऑब्जेक्शनेबल है, वो सवाल खड़े करते हैं। मसला है उसमें किसी भी सिंगल इंडिविजुअल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को ये राइट नहीं है, वो अपने किसी काउंटर पार्ट को या अपने किसी मजहब वाले को ईद और होली दिवाली की मुबारकबाद देने के लिए तो आजाद है कि आप किसी को भी दुनिया में ईद की मुबारकबाद दें, किसी को होली और दिवाली की मुबारकबाद दें, किसी की शादी में जाएं या उसको बुलाएं, लेकिन मुल्क के मसले में, कश्मीर के इशू पर, उसके लिए नवाज शरीफ इनकी क्या सुनेंगे? ये बताइए कि जब दो मुल्कों के रिलेशन होते हैं जहां बहुत बड़े तिजारती सोशल कल्चरल सारी चीजें दांव पर लगी होती हैं, वहां दो मुल्कों की डिप्लोमेसी कंटिन्यू कश्मीर के इशू पर एक दूसरे से बात कर रही है, नरमी के साथ भी और गर्मी के साथ भी, तो क्या उसमें कोई रेलिवेंस रह जाता है कि कोई यहां से बैठने के बाद कोई धर्म गुरु किसी भी मजहब का? तो सवाल ये कि जो अगर हम समय को, अगर हम समय को देखें और कंटेंट को देखें, ये सवाल खड़ा करता है, ये सवाल स्वाभाविक होता है कि बिल्कुल ये समय नहीं है। ये आप भारतीय मुसलमान को कहीं बदनाम तो नहीं कर रहे हैं? अभी जो अमरनाथ यात्रा पर हादसा हुआ और उसमें जिस तरीके से लोगों की जाने गईं, यकीनन उनको टारगेट करने वाले जो हैं वो दहशतगर्द थे, और वही दहशतगर्द थे जो सरहद पार से जिनको हथियार दिए जाते हैं, और जितने भी दहशतगर्द पूरी दुनिया में लड़ रहे हैं, कहीं भी लड़ने वाला दहशतगर्द हो, आज तक वो तीन मुल्कों के बने हुए हथियार का इस्तेमाल करते हैं। आयदर वो हथियार मेड इन चाइना होता है, आयदर वो हथियार मेड इन इजराइल होता है, आयदर वो हथियार मेड इन अमेरिका होता है। इसके अलावा हमने किसी दहशतगर्द के पास नहीं देखा कि मेड इन हिंदुस्तान उसके पास हथियार हो, मेड इन टर्की उसके पास हथियार हो, और दूसरी जगह के मेड इन हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर वन, जहां कश्मीर में के हालात का मसला है, तो कश्मीर के हालात समय इस समय भारत खुद हिंदुस्तान के, भारत के होम मिनिस्टर, मैं समझता हूं कि
وزیر اعظم کے بعد جو انتظامیہ امور کو دیکھنے میں جو سب سے بڑی اتھارٹی ہوتی ہے وہ ہندوستان کا ہوم منسٹر ہوتا ہے. ہوم منسٹر نے بارہا کشمیر کے حالات پر نندہ کی ہے اور اپنی کوششوں کو یقینی بنانے کے لیے سمے ہمارے پاس ڈیلیگیٹ سے میں کہہ رہا ہوں یہ جو ٹائمنگ ہے اس کو پورا دیش کہہ رہا ہے. لیکن کشمیر کے سلسلے میں ایک چیز اور نظر میں رکھنا چاہیے کہ 70 سال میں کبھی کشمیر کے مسلمانوں نے ہندوستان کے دوسرے صوبے کے مسلمانوں سے آ کر مدد نہیں مانگی, چاہے وہ دلی کے شاہی امام ہو, چاہے وہ کوئی کلکتہ کا امام ہو, چاہے ہمارا جو وشے ہے یہ جس ٹائم پہ جب چین اور بھارت کی جو اس سمے استھتی ہے بارڈر پہ, جو چین اور پاکستان اور بھارت کی استھتی ہے دوسرے طرف, وہاں پہ اس سمے یہ لکھ کے اور ایسے اینٹی انڈیا سٹینڈ ایک طرح سے ہے, جو سٹینڈ پاکستان لیتا ہے اس کنٹینٹ کو آپ نے رکھا ہے, تو کیوں نہیں آپ کی نیت, کیوں نہیں آپ کی سوچ, کیوں نہیں آپ کے منسا پہ سوال کیا جائے؟ چوپڑا صاحب, کارن یہ ہے کہ ہمارے دیش ہماری سرکار نے کئی سال اکالیوں کے ساتھ پنجاب میں سرکار چلائی جو دھرم اور راجنیت کو گڑمٹ کرتے. یو پی کا مکھیہ منتری, سمے کم ہے ذرا اسپیسیفک, بالکل سیدھی بات, اس وقت جو ٹائم اور کنٹینٹ ہے, منتری یوگی آدتیہ ناتھ بنایا ہے, تو یہ تیسرے آدمی اپنا کیوں نہیں, اودیش جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اودیش جی بہت کم شبدوں میں, نہیں چوپڑا جی اور پراسنگک بات کرنے کے لیے کخیات ہو گئے ہیں تو ان کی بات پر کیا کہا جائے. اس سمے بات ہم امام بخاری کی چٹھی پر کر رہے ہیں اور دنیا بھر کی چیز ہے. نہیں امام بخاری نے جو ابھی چٹھی لکھا ہے وہ کیول آبجیکشنیبل نہیں ہے, وہ بھارت ویرودھی ہے, وہ لوگوں کو بھڑکانے والا ہے, وہ بھارت کی غلط تصویر پیش کرنے والا ہے, ہمارے سینا کی غلط تصویر پیش کرنے والا ہے, اور ظاہر ہے کہ ایسے چٹھی کا کیول ویرودھ نہیں ہونا چاہیے, ایسے اپائے کیے جانا چاہیے کہ آگے ہمارے دیش کا کوئی بھی ایسا مذہبی نیتا اس پرکار کی چٹھیاں لکھنے کی حماقت نہ کرے, میرا تو یہاں تک ماننا ہے. اور جہاں تک کشمیر کا نہیں مذہب راجنیتی, یوگی آدتیہ ناتھ مکھ منتری ہے, چناؤ جیت کے آیا ہے, امام بخاری چناؤ جیت کے جائے اس کے بعد بولے, امام بخاری چناؤ جیتے نہ جا کر کے لڑے, چناؤ ویرودھ نہیں ہوئی, امام اپنے روڑیوں کو آگے کیوں بڑھاتا ہے, چناؤ لڑے اور جیت کے آئے منتری بولے, اس کا ہم کو کوئی ویرودھ نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, ایک عام ناگرک کو ادھیکار ہے تو ایک مذہبی نیتا کو بھی چناؤ لڑنے کا ادھیکار ہے. وہ ایسی ایک برکاتی تھا وہاں پہ بنگال میں, وہ فراڈ میں جاتا ہوں, وہ ویرودھ اس مذہبی نیتا کو بھارت کی ودیش نیتی بھارت کی رکشا نیتی کے ورودھ جا کر کے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو دیش ورودھی قدم مانا جائے گا. اگر کل یوگی آدتیہ ناتھ ایسا, آنند جی آپ کی سرکار ہے, آنند جی آپ کی سرکار ہے, آنند جی آپ کی سرکار ہے, آپ نوٹ اس کو کیا کاروائی کی طرف آپ سوچتے ہیں لے جانا چاہیے یا اگنور کریں گے؟ دیکھیے یہ بہت ہی سیکرٹلی اس کو نشچت روپ سے انویسٹیگیٹ کریں گے اور ان کو ہو سکتا ہے پوچھ تاچھ بھی کیا جائے گا کہ آپ کس منشے سے سیدھے آپ لکھ رہے ہیں پردھان منتری پاکستان کو, اور آپ کی جو نیت ہے دیش کے خلاف اگر اس طرح کا ثڈینتر کرنے کا نیت ہے تو آپ نشچت روپ سے آپ آزاد ہیں, دنیا میں کہیں جا کے رہیے آپ, لیکن اس پرکار کا ثڈینتر کرنے کی آزادی جو ہے دیش کے خلاف کسی کو بھی نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی دھرم گرو ہو چاہے کوئی ہو. اور امام تو جس پرکار کا وہ ثڈینتر کرتے ہیں اپنے قوم کے ساتھ, اپنے پریوار کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بچوں میں لڑائی ہو. اور اب بات کرتے ہیں چینی چال. چین صرف اتر پورب میں نہیں بلکہ جموں کشمیر میں بھی دخل دے رہا ہے, اپنا ٹانگ وہاں اڑا رہا ہے. کیا کہہ رہی ہیں جموں کشمیر کے مکھیہ منتری گرہ منتری سے ملاقات کے بعد وہ جو بیان دی ہیں پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. جو دشمن تھا اس کی یہ کوشش تھی کہ یہ اٹیک کر کے پورے ملک میں ہم کو منرل رائٹس کریں. میں اپنے ملک کے لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں, ہوم منسٹر صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. اور یہ جو لڑائی اس وقت ہو رہی ہے جس میں باہر کی طاقتیں شامل ہیں اور اب تو بیچ میں بدقسمتی سے چین نے بھی اس میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا ہے, مجھے خوشی ہے کہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز تمام لوگ یکجٹ ہو گئے ہیں, کشمیر کی سمسیا کا جو ہے ہم کھل کے سب اکٹھے مقابلہ کر رہے ہیں. تھینک یو سو اودیش جی. ایک پہلی بار مجھے لگتا ہے کہ شاید چین
का नाम, वहां के मुख्यमंत्री साफ तौर से कह रहे हैं कि अब चीन जो है वहां पे दखल दे रहा है। निश्चित रूप से, मतलब आजादी के बाद से जो कश्मीर की समस्या में पहली बार मुख्यमंत्री ने चीन का नाम लिया, हालांकि ये बातें गाहे बगाहे चलती रही है कि कहीं ना कहीं चीन की भी भूमिका है, वो एक अप्रत्यक्ष भूमिका मानी जाती है, पाकिस्तान के उनका पास संबंध अच्छे थे उसको लेके था, लेकिन चीन का हाथ है। लेकिन ये जो कह रही हैं कि ये चीन वहां भूमिका निभाने लगा है, वैसे तो लद्दाख में के चीनी सीमा सेनाओं के घुसने, वहां से हटाने, वहां के क्षेत्रों में उसकी भी चर्चा लंबे समय तक होती रही है, लेकिन वाकई अगर चीन अपने उस सिंकियांग के ओर से लेकर के और यहां तक अगर वो कुछ भूमिका निभा रहा है तो ये खतरनाक स्थिति है और इससे हमको सचेत होना चाहिए। देखिए, चीन की रणनीति बहुत साफ है, चीन केवल एशिया की नहीं दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है, वो बने, उसमें हम लोगों को कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो बनने के लिए वो जो सोचता है कि भारत को हमेशा आंतरिक दृष्टि से एक अशांति में डाल के रखो और रणनीतिक दृष्टि से हमारा वर्चस्व उस पर बना रहे, सीमा विवाद में हम उसको तनाव में बनाए रखें, भारत को रणनीतिक रूप से हम घेर के रखें, ये जो चीन की कोशिश है ये खतरनाक है। और ये इसका मतलब यह है कि इस देश को चीन, बने जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री रहे थे उन्होंने एक बार साफ कर दिया था, लोगों ने बड़ा उस पर उनका विरोध किया था, लेकिन सही बोले थे कि हमारा एक नंबर दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है वो तो चीन से होनी है, क्योंकि चीन जहां सबसे ज्यादा खतरनाक है आपके एक लंबे जगह पर, तो चीन का अगर आज मुख्यमंत्री ने कहा है तो जाहिर है कि अभी इस देश को गंभीरता से सोचना, उसको संज्ञान लेना और यह समझना कि चीन से हम कैसे निपटेंगे। अभी समय एक मतला तो चुंबी घाटी में डोकलाम का है, जहां वो सड़क बना रहे थे, भारत ने कड़ाई से उस सड़क को बनाने से रोक दिया है, और रोकने के बाद 1962 भी वो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत की लाशें ज्यादा हो जाएंगी, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, भारत अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है, भारत ने बहुत संयत और संयमित होकर के अभी तक किया है। लेकिन अगर कश्मीर में पाकिस्तान के माध्यम से या सीधे चीन की भूमिका हो रही है तो ये एक खतरनाक सिचुएशन है। अब इसका कैसे इसका रास्ता निकलेगा ये विचार करने की जरूरत है, सभी राजनीतिक दलों को इस पर एक होकर के विचार करके और कदम उठाना चाहिए, मुझे लगता है। इट्स वेरी सीरियस चोपड़ा साहब कि चीन जम्मू कश्मीर में पहली बार वहां के मुख्यमंत्री कह रही है। अरे वहां की मुख्यमंत्री कुछ भी कह देती है, आप नहीं मानते? मैं मानता नहीं हूँ। पीडीपी ने क्या किया, कश्मीर का सत्यानाश करके छोड़ा। मेरा ये कहना है कि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए कोई भी नाम ले लेंगे, किसी भी टाइम नहीं ऐसा जो नहीं कम से बिल्कुल तक जो आपका कि नहीं सुन सकते ना आका इनका। ये है कि हमें बट आपके आपके सवाल सुन लीजिए एक बार फिर से, हमें समझना होगा कि हमारी अपनी यहाँ डिस्कशन हुई थी, हमने कहा था जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान से आ रहा है तो कम से कम एक तरफ तो शांति होनी चाहिए। मेरा सवाल वो नहीं, आपके चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की, वो और पहली बार वो और मिली जुली सरकार है, चाहे मिली जुली सरकार मिली जुली सरकार है, मेरा सवाल चलिए मैं कह रहा हूँ नहीं है वो सिलेक्टेड नहीं है, मैं कह रहा हूँ माइनोरिटी गवर्नमेंट है। चलिए मैं आपको सवाल आपकी तरह केरला में गवर्नमेंट अकेले बनी हुई है, पूरे देश में लोग कह रहे हैं प्रेसिडेंट रूल लागू कर, पूरे देश में तो बहुत कुछ कहते हैं लोग, मेरा सवाल देश में कह रहे हैं किसी तरह हमको अपनी जान बचानी है, ये तो जान बचाने के लिए वो चीन उठा ले। आप ये कह रहे हैं कि प्रूफ दें, आप कह रहे प्रूफ दें, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आपत्तिजनक हुई है, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों के खिलाफ है, संवैधानिक उसके पास सूचनाएं होंगी, उसके पास खुफिया जानकारी है जिसके आधार पर आपको वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तो आपको क्या आधार है, कौन सा है आपके पास, कौन सा सबूत है कि अगर कोई मुख्यमंत्री चुनी हुई कह रही है कि पाकिस्तान दखल दे रहा है, आपके पास सबूत है कि नहीं दखल दे रहा है पाकिस्तान? चीन के लिए, चीन के लिए अगर कह रही है तो आपके पास कोई सबूत है तो फिर आप क्यों सवाल फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं आप इस तरह से, फिर सवाल क्यों ये अपने आकाओं को नहीं कर सकते, आप बासठ के गद्दार हैं, आप उनको सुनिए, आप चीन में चीन को सुनिए कैसे आज ये कह रहे हैं इंसान है, ये लोगों ने खुद कहा है कि हम कश्मीर में
दखल दे सकते हैं अमरनाथ के बाद मुख्यमंत्री। अरे आप बोलिए, अमरनाथ के जो पिलग्रिम्स हैं उनकी बात उठा के उन्होंने कहा अमरनाथ के पिलग्रिम्स क्यों फंसे, क्योंकि आपकी सुरक्षा की कमी थी। आपकी सुरक्षा कमी हो सकती है, सुरक्षा की कमी को छुपाने के लिए उन्होंने कहा कोई बड़ा झूठ बोल दो तो चीन चलेगा, अस्वस्थामा चीन की भूमिका को आप कैसे नकार सकते हैं अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं। डॉक्टर डॉक्टर हफीज डॉक्टर कश्मीर में नहीं, आपके पास क्या सबूत है, आपके पास कोई सबूत नहीं, सबूत मांग रहे हैं आपके पास कोई ये सबूत की जरूरत है चीन। एक सौ अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, एक चीन के एजेंट बन के आप खड़े हो सकते आप इसके एजेंट है। नहीं नहीं, हम तो किसी का नहीं, हम तो अपने देश के एजेंट है। आप अमरीका के एजेंट हूँ, एक किसी देश का अपने देश अमरीका इसराइल के हैं। चलिए आप पहले हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप कहते रहिए कोई नहीं सुनेगा, लेकिन आपके चीन जो कुछ उत्तर पूर्व के बॉर्डर पे कर रहा है, जो कुछ लगातार पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री साफ तौर से कह रही हैं कि अब चीन वहां पे दखलंदाजी कर रहा है, हाथ वहां पे उसका भी शामिल हो रहा है। आपके आपके पास सबूत है, आप कहेंगे नहीं आपके पास कोई सबूत है, आपको चीन सरकार ने दिया है। कहां पे शांत बॉर्डर है, वहां पे शांत है, डोकलम में शांत बॉर्डर है, डोकलम में शांत बॉर्डर है, शांत बॉर्डर है, वहां पे रोड हिंदुस्तान। आप किस तरह की बात करते हैं, आप प्लीज प्लीज प्लीज, ये जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कितना कितना चिंता का विषय है और इस पर किस तरह का रुख लेना चाहिए भारत को। देखिए, जिस वक्त हिंदुस्तान में चीन के मौजूदा सदर आए थे पहली बार, जिनको यहाँ के प्रधानमंत्री लेकर गए थे, उस वक्त भी यहाँ के जितने फॉरेन पॉलिसी के जानकार हैं उन्होंने चीन की तरफ ज्यादा हाथ बढ़ाने की कड़ी निंदा की थी, क्योंकि चीन कभी भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं रहा है और अच्छा पार्टनर नहीं हो सकता। वो पड़ोसी जरूर है, लेकिन आज जो भी सरहद पे तनाव है और पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा सपोर्ट है हमेशा से, वो दुनिया जानती है कि चीन का सपोर्ट है। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रशिया रहा है ऑफकोर्स, और रशिया बेस्ट पार्टनर रहा है यूएसएसआर, ना इतना अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका हो सकता है ना चीन हो सकता है। चीन से हमारा 3000 किलोमीटर का बॉर्डर लगा हुआ है। आप देखिए कि पाकिस्तान से थोड़ा सा बॉर्डर लगा हुआ है, उसके कारण दो मुल्कों का पिछले 70 सालों से कंटिन्यू तनाव है। चीन से 3000 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है और उस बॉर्डर पे चीन दावा करता है, तो चीन के दावे के अनुसार मेरा जो वतन क्या कहते हैं जिला रामपुर है, वो जहां पर उत्तराखंड का बॉर्डर मिलता है उस जगह पर वो किसी जमाने में उन्होंने पत्थर लगाया था और दावा किया था कि यहां तक हमारी जमीन आती है, तो चीन के दावा इतना बड़ा है। तो इसलिए दो चीजों में चीन से बहुत होशियार रहने की जरूरत है, एक तो बॉर्डर पर सख्त रहने की जरूरत है, चीन की नियत पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता, कभी भी वो धोखा दे सकता है जैसा उसने पास्ट में भी दिया है, और वो स्ट्रेटेजिकल पार्टनर नहीं हो सकता। दूसरा यह कि आज चीन की जो मुस्तहकम पोजिशन है माली एतवार से, कारोबारी एतवार से, वो भी हमारी वजह से है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट के सबसे बड़े बायर हम हैं, हमारे हैं, यहां तक के होली के रंग जब खिलते हैं, दिवाली के पटाखे फूटते हैं, वो भी मेड इन चाइना होते हैं, सबसे बड़ी मूर्ति भी जो सरदार पटेल की आ रही है कीमत में, वो भी मेड इन चाइना आ रही है। हर मुसलमान के घर में अगर सूरह यासीन का टुकड़ा लगा हुआ है, या जो जानमाज इस्तेमाल हो रही है वो भी चाइना की बनी हुई है। इस पर भी हिंदुस्तान को गौर करना होगा कि हम उन प्रोडक्ट को या तो हिंदुस्तान में बनाएं जिससे हमारे यहां पर रोजगार बढ़े, और चीन से दरामदात कम करें, ताकि चीन हमारे लिए मुसलसल खतरा ना बने और पाकिस्तान को भी सपोर्ट ना। आनंद जी, बहुत कम शब्दों में जो ये बहुत चिंता का विषय है, सरकार जो महबूबा मुफ्ती साफ साफ कह रही है कि चीन की दखलंदाजी जम्मू कश्मीर में पहली बार देश में जम्मू कश्मीर से किसी मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ किया है, ये आप लगता है कि यहां से और ज्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है सरकार के लिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए? जरूर दिलीप जी, निश्चित रूप से ये अलर्ट हो चुका है सरकार, मतलब ये कह सकते हैं कि सरकार ने इसी को ध्यान में रख के सर्वदलीय बैठक बुलाया और एक अच्छा एक सभी दल के नेताओं ने इस विषय को गंभीरता से, एक कूटनीतिक हो चाहे जो भी डिप्लोमेटिक हो, चाहे दुनिया के और जहां जहां जिस पटल में कहना है उठाना है उसको उठाया जाएगा, और निश्चित रूप से इस चाइना का जो स्ट्रेटजी है उसको कड़ा जवाब, एक करारा जवाब
देने की पूरी ताकत के साथ तैयारी जो है हो चुका है। लास्ट वर्ड, इसमें कोई संशय नहीं। पुष्पेंद जी देखिए, दिलीप दो चीज, मेरे पास समय खत्म हो गया इसलिए मैं बहुत वक्त नहीं ले रहा, लेकिन एक चीज देखिए कि पाकिस्तान की भूमिका कश्मीर में सबको पता है, उसमें कहीं कोई बात छुपी नहीं है 70 साल से। अगर महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं तो आप ये मान के चलिए कि कुछ दिन पहले भी ये बयान आया था चाइना का कि हम भारत के कश्मीर के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं अगर ऐसे हालात हुए। आप इस बात को देखें कि चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़ जो कुछ कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी आपको पता है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से खुद जो उसके कब्जे में कश्मीर है उसके कुछ हिस्से को पहले ही चीन को दे दिया है। ग्वादर से जो लाइन बनके जा रही है, पूरा सीपैक बन रहा है, वो भी उस इलाके में जा रहा है जो पाकिस्तान का नहीं है, जो डिस्प्यूटेड पाकिस्तान भी कहता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आजाद हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि जितनी शिद्दत के साथ पिछली डिबेट में हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के दलाल और पेड एजेंट इस हिंदुस्तान में बहुत मौजूद है, उसी तरीके से चाइना के इस डिबेट में भी लोग ऐसे मौजूद है कि जो महबूबा मुफ्ती जो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड पोस्ट पर बैठी हुई है, अगर उसके इंफॉर्मेशन है और वो कह रही है तो चाइना के दलाल उसको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं और आए बाएं बात कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि गठजोड़ इंटरनेशनल नहीं है, इस देश के अंदर दोनों ताकतों के दलाल बैठे हुए हैं जनतंत्र के अंदर। बहुत बहुत आप सबका हम माफी चाहते हैं, हमारा समय खत्म हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। काला हो चुका है इससे।